ये वीडियो आपको कोलोन कैंसर या आंतड़ों के कैंसर के बारे में जानकारी देगा। नमस्ते, मैं डॉक्टर तुषार पाटिल सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे, यहाँ पे कैंसर स्पेशलिस्ट की तरह काम कर रहा हूँ पिछले 13 सालों से। ये वीडियो आपको कोलोन कैंसर या आंतड़ों के कैंसर के बारे में जानकारी देगा। दोस्तों, कोलोन कैंसर एक कॉमन बीमारी है। यूएस में 25 साल पहले कोलोन कैंसर में बहुत रैपिडली तेजी आई थी और उसके बाद ये एक प्लाटू फेज पे पहुंच गया। वही तेजी पिछले 5 साल में हमारे यहाँ इंडिया में दिख रही है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ कोलोन कैंसर टूडे इज एल्कोहल, स्मोकिंग, केमिकल्स, पोल्यूशन एंड फूड हैबिट्स। सो दोस्तों, फूड हैबिट से रिलेटेड बहुत सारे कैंसर हो सकते हैं, कोलोन कैंसर इज वन ऑफ देम। बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड खाना, कॉन्स्टिपेशन होना, फाइबर डाइट कम लेना, नेचुरल डाइट कम लेना, ये सब चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं किसी न किसी तरह से हमारे कोलोन कैंसर के इंसिडेंस और या राइजिंग इंसिडेंस पे। तो जान लें अभी इसके बारे में, इसके सिम्टम्स क्या होंगे और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कैसे करें। इसके सिम्टम्स यूजली पेट में दर्द होना होते हैं, कुछ लोगों को मोशन में से ब्लड शुरू होता है, या लाल रंग की मोशन होती है या काले रंग की मोशन होती है, कुछ लोगों को इसमें वेट लॉस भी होता है। जब ये सब सिम्टम्स हो कि पेट में दर्द हो रहा है, मोशन काली या रेड कलर की हो रही है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है और वेट लॉस हो रहा है, तो इसमें कैंसर होने की और आंतड़ों का कैंसर होने की एक पॉसिबिलिटी बन जाती है। इसके लिए जरूरी है कि तुरंत हम डॉक्टरी सलाह लें। एडवांस स्टेज में जब ये बीमारी दूसरे ऑर्गन्स में फैलेगी, जैसे लिवर में, तो जॉन्डिस या पीलिया भी होने की पॉसिबिलिटी होती है। अगर ये पेट में और जगह फैलती है तो कुछ लोगों को पेट में पानी भर जाता है और पानी का भराव महसूस होता है। अब इसका डायग्नोसिस या निदान कैसे करें? कोलोन कैंसर या बड़े आंतड़े जिसे बोले, तो उसका डायग्नोसिस कोलोनोस्कोपी से किया जाता है। ये एक दूरबीन की जांच है जिसमें हम पूरा आंतड़ा जांच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोलोनोस्कोप एंड उसमें लगे कैमरा से। और जहां पर भी हमको कुछ सस्पिशियस कैंसर के सेल्स दिखते हैं या गठान दिखती है या अल्सर दिखता है, तो हम उसमें से बायोप्सी लेते हैं। अब ये बायोप्सी का टुकड़ा माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया जाता है, उससे हमें उसके टाइप के बारे में पता चलता है। कॉमनेस्ट टाइप ऑफ कोलोन कैंसर एडिनोकार्सिनोमा है। इसके अलावा इसमें एक दो टाइप्स और पाए जाते हैं, जो कि लिम्फोमा और मेलानोमा हो सकते हैं, और ये हमारे इस लेक्चर के स्कोप के बाहर है। हम एडिनोकार्सिनोमा के बारे में ही बात करेंगे। एक बार डायग्नोसिस हो जाए कि ये किस तरह का है, उसके बाद हम उसकी स्टेजिंग करेंगे। सो सीटी स्कैन या पेट स्कैन द्वारा हम कोलोन कैंसर की स्टेजिंग कर सकते हैं। अब सीटी स्कैन या पेट स्कैन से हमें मालूम मिलती है कि कोलोन या आंतड़ों से बाहर भी इसका कहीं फैला हुआ है, लिम्फ नोड्स में, लिवर में, पेट में, लंग्स में, बोन्स में और कहीं हुआ है कि नहीं। अब ये सब डायग्नोसिस और स्टेजिंग के बाद आता है ट्रीटमेंट का सवाल। दोस्तों, मैं बता दूं कि अगर ये फैला हुआ कैंसर नहीं है कोलोन का, तो इसमें पहली ट्रीटमेंट जो की जाती है वो है सर्जरी। इसमें कोलोन का उस पार्ट को जो अफेक्टेड है उसे निकाला जाता है और उसके अलावा लिम्फ नोड्स को भी निकाला जाता है। यह भी बताना चाहूंगा कि अगर कोलोन का कैंसर एक या दो जगह लिवर में फैला है, ज्यादा नहीं फैला, तो हम साइमल्टेनियसली कोलोन की सर्जरी और लिवर की सर्जरी भी कर सकते हैं, इफ इट इज फीजिबल, एंड दोनों जगह से उस कैंसर को निकाल सकते हैं। अगर कैंसर सब जगह फैला है तो सर्जरी का कोई रोल नहीं है, एक्सेप्ट दो सिचुएशंस कि अगर कोलोन में से ब्लीडिंग हो रही है और हीमोग्लोबिन बहुत कम हो रहा है, तो हमें सर्जरी करना जरूरी हो जाता है ताकि हम उस ब्लीडर को निकाल सके। सेकेंड, अगर पेशेंट ऑब्स्ट्रक्शन के साथ प्रेजेंट हो, इसका मतलब कि नीचे स्टूल पास ही नहीं हो रही है, गैस नीचे पास ही नहीं हो रहा है और आंतड़ों में एक ऑब्स्ट्रक्शन की लेवल निर्माण हो गई है जिसकी वजह से अंदर आंतड़े फूटने का डर रहेगा, तो अगर कैंसर फैला भी है तो इस सिचुएशन में हमें ऑपरेशन करना जरूरी हो जाता है। और मैक्सिमम टाइम में हम ऑपरेशन के बाद इसमें स्टोमा करते हैं, ताकि एक बैग बाहर आती है जिसमें से स्टूल कंट्रोल तरीके से बाहर आ सके। तो ये हुई हमारी सर्जरी की टेक्निक जो हम करेंगे। आजकल लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी के द्वारा भी ये सब सर्जरी की जा सकती हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा बड़े गर्व के साथ कि सह्याद्री हॉस्पिटल में अभी हाल ही में रोबोटिक सर्जरीज का शुरुआत हुई है, रोबोट इंस्टॉल हुआ है और अत्याधुनिक तरीके से हम रोबोटिक सर्जरी से विदाउट एनी मच डिफिकल्टी डिक्रीजिंग द सफरिंग ऑफ द पेशेंट अच्छे कैंसर सर्जरीज कर सक रहे हैं। जो भी पेशेंट्स इसका फायदा लेना चाहते हैं रोबोटिक सर्जरीज का, वो तुरंत ही हमें कांटेक्ट करें। तो ये हुई सर्जरी की बात। अगर कैंसर फैला है
लिवर में, लंग्स में, बोन्स में, तो हम सर्जरी नहीं कर पाएंगे और इसमें हम कीमोथेरेपी पेशेंट को देंगे। इसमें भी बताना चाहूंगा कि हमारा हॉस्पिटल अत्याधुनिक तरीके से पूरी तरह से लैस है हर तरह की कीमोथेरेपी देने के लिए। बेस्ट कीमोथेरेपी, डे केयर कीमोथेरेपीज सह्याद्री में अवेलेबल हैं। इसके अलावा कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी को कंबाइन करके हम पेशेंट्स को ज्यादा अच्छा कंट्रोल ऑफ डिजीज दे सकते हैं। टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी ये नई ट्रीटमेंट मोडालिटीज हैं जो ज्यादा इंप्रूवमेंट देती है हमको सर्वाइवल में एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ में। एट द सेम टाइम उनके मेजर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। सो दे हैव मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ऑल आवर कैंसर पेशेंट्स इंक्लूडिंग कोलन कैंसर पेशेंट्स। अगर कैंसर फैला है और हम सब तरह के ट्रीटमेंट्स का, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, तो आज हम ये कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि हमारे पेशेंट का लाइफ 3 से 4 साल तक रह सकता है, जो कि सिर्फ 6 महीने होगा अगर हम ट्रीटमेंट नहीं देंगे। कुछ साल पहले इवन विद ट्रीटमेंट ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1-1.5 years थी, आज इफेक्टिवली 3 से 4 साल हम लोग इसमें निकाल सकते हैं। और वो दिन दूर नहीं होगा, अगले 3-4-5 सालों में ये पॉसिबल होगा कि विद द हेल्प ऑफ कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ओरल थेरेपीज, हम पेशेंट को एक अच्छा लाइफ 5-6-7-8 साल दे पाएंगे। इवन इन स्टेज 4 हम कैंसर को डायबिटीज या ब्लड प्रेशर जैसा बनाना चाहते हैं, जो कि बीमारी कंट्रोल कर सके, पूरा क्योर करने की जरूरत नहीं है, इसको कंट्रोल कर सके और पेशेंट को एक लॉन्ग लाइफ हम विद द हेल्प ऑफ ट्रीटमेंट दे सके। दोस्तों ये पूरी जानकारी थी कोलन कैंसर के बारे में। अगर आपको कोई भी और अधिक जानकारी की जरूरत हो तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा कि रोबोटिक सर्जरीज हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, अभी हमारे यहाँ अत्याधुनिक कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपीज अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप नीचे नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट करिए। धन्यवाद।